यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। विजन न्यूज की अब तक की ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं हूँ रूज फातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं मुकद्दस इफ्तिखार। नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। कराची पुलिस चीफ तैनात किए गए एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। साबिक पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख को पूरे एजाज के साथ के POC रुखसत कर दिया गया। गुलाम नबी मेमन की कराची पुलिस ऑफिस में आमद पर DIG एडमिन आसिम कायम खानी और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने उन्हें खुशामदीद कहा और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाले एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल से दो रोज कबल इन्वेस्टर से गुफ्तगु सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक सरमायाकार की मकतूल मुरीद अब्बास के साथ गुफ्तगु की ऑडियो रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई है, जिसमें मुरीद अब्बास कहते सुनाई दे रहे हैं कि आतिफ झूठ बोलता है, फिल्मी कहानियां सुना रहा है, लेकिन उससे अपना मुनाफा मांगता रहूंगा, लोगों को पैसे वापस करने हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि एक जज की वीडियो सामने आई, फैसले पर सवाल उठे, जज वापस चला गया लेकिन नवाज शरीफ आज भी कैद हैं, हालांकि उन पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा कि मुआशी बहरान से तवज्जो हटाने के लिए शहबाज शरीफ को निशाना बनाया जा रहा है। मंशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्ला की जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई है। राना सनाउल्ला अपने चार साथियों समेत लाहौर के जिला कचहरी में पेश हुए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में राना सनाउल्ला के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई। इस सिलसिले में इंसदाद मंशियात फोर्स ने लीगी रहनुमा को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया। वजीर आजम इमरान खान की मावन खसूसी बरए इतलात फिरदौस आशिक आवान ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज कबूल कर लिया। वाजे रहे कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बरतानवी अखबार डील मेल की खबर पर वजीर आजम इमरान खान, मौवने खुसूसी शहजाद अकबर और दीगर के खिलाफ बरतानवी अदालत में हत्या के इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान किया था। सूरज बैतुल्ला के एन ऊपर आ गया। माहिरीन फलकियात के मुताबिक लोग किबले के सिमत का तायुन कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया भर के सायों का रुख बैतुल्लाह की जानिब है, जिसकी वजह से बैतुल्लाह का साया नहीं बन रहा। आज इस वक्त ज़मीन पर एक छड़ी अमूदन गाड़ दें या किसी इमारत के कोने का इंतखाब करें, जैसे ही ये वक्त आएगा इस साय पर एक खत खींच दें और इस खत पर अमूद गिराएं, शुमाल से जुनूब की जानिब जाविया कायम बनाएं, यही किबला रुख होगा। आज के बाद अब अगले साल सूरज 28 मई को बैतुल्लाह के ऊपर से गुजरेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।